हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स, लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। हम लोगों ने हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर अभी तक फिनिश किया है। दिस इज द सेकंड चैप्टर एंड वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ऑलराइट, सो ये जो चैप्टर है बहुत हेल्प करेगा आपको हर एक चीज़ में, लाइक यू विल बी गेटिंग नॉलेज फॉर दी स्कूल एग्जामिनेशन एज वेल एज दी ओलंपियाड। तो बेसिकली अगर आप इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो आपके बहुत सारे फायदे हैं। यू कैन क्लियर आउट द NTSC, राइट, यू कैन क्लियर आउट ऑल दी ओलंपियाड्स, एंड डेफिनेटली स्कूल एग्जामिनेशन का अगर ये पार्ट है तो डेफिनेटली यू कैन क्लियर आउट दैट टू। बेसिकली दैट्स वॉट वी डू हियर, वी डू स्टडी फॉर बोथ द थिंग्स, राइट, वी स्टडी फॉर दी स्कूल एग्जामिनेशन एज वेल एज दी ओलंपियाड्स। सो दिस टॉपिक विल डेफिनेटली गोना हेल्प यू अबाउट दैट। If you want any DPP or study material, you can access that them through the Telegram channel. All you need to do is to write the code TTB010 on the search box of the Telegram app. Write this code, join the channel, and you can get access all the DPPs and material available over there. Now see, this is the awesome team which is doing very much hard work for you all, ताकि आपको हम एक quality education provide कर सके from Kota, and that's our only aim for you all, so that आप लोग दोनों ही examinations को clear out कर सके, अपना knowledge maintain कर सके, and basically अगर आप engineering fields में और the medical fields में अगर आप competitive exams को find out करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये बहुत beneficial है, so you should study that out, right, with us. That's the important part. Now see, जो आपको मैं हर क्लास में बताती हूँ वो तो बताना बहुत जरूरी है, and that's why I'm going to repeat it again, कि what you need to do is to you need to go on this website www.talkingtextbooks.in. अगर आप इस वेबसाइट पर जाते हैं you will be getting टू टाइप ऑफ पैकेजेस, ऑलराइट, वहाँ पे दो तरीके के पैकेजेस हैं। नंबर वन इज द फुल पैकेज, नंबर सेकेंड इज द टेस्ट सीरीज। सो द फुल पैकेज क्यों है? सो दैट इट कैन प्रोवाइड यू अ प्रॉपर गाइडेंस वट एवर यू वन अ फाइट फॉर, ठीक है। तो पहली चीज़ तो इंपॉर्टेंटली क्या होता है, स्टडी मटेरियल। तो आपको जगह जगह जो है वंडर नहीं करना पड़ेगा, यू कैन डेफिनेटली स्टडी विद अस, यू कैन गेट आर स्टडी मटेरियल विच इज़ वेरी मच अरेंज और ऑर्गेनाइज इसी तरीके से किया हुआ है दैट यू कैन एक्सेस द स्कूल जॉब के एग्जामिनेशन होता है उसको भी आप लोग उसके लिए भी स्टडी कर पाओगे, साथ ही साथ आप ओलंपियाड्स NTSC इन सब के लिए भी प्रिपेयर कर पाओगे। सो बेसिकली दैट इज़ वेरी मच गुड, राइट, कि आप एक ही चीज़ को पढ़ के अगर आप सभी एग्जाम्स क्लियर आउट कर रहे हो, उनके टेम्परमेंट को समझ पा रहे हो, तो बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि इससे टाइम वेस्ट नहीं होगा, राइट। देखो सेकेंड थिंग, वॉट यू विल बी गेटिंग द रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेस क्यों, बिकॉज दे विल गोना हेल्प यू। कोई भी टॉपिक आपका छूट गया है, आपको नहीं समझ में आया, यू कैन गो फॉर दैट, राइट, आप रिकॉर्डेड के लिए वापस जाके देख सकते हैं, तो दैट इज़ वेरी मच बेनिफिशियल, राइट। थर्ड थिंग, यू विल बी गेटिंग द होमवर्क सबमिशन, आप लोग होमवर्क करेंगे, आप लोग सबमिट करेंगे, एंड देन वील बी चेकिंग दैट, एंड दैट्स द इंपॉर्टेंट पार्ट, जिससे आपको एनकरेज मिले, एनकरेजमेंट हो कि भाई दैट यू शुड डू द होमवर्क, बिकॉज बहुत सारे बच्चे होमवर्क नहीं करते हैं, और क्योंकि वो होमवर्क नहीं करते हैं तो वो प्रॉब्लम्स को खुद से डील नहीं करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है होमवर्क करने का। क्यों बोला जाता है हमेशा होमवर्क करो होमवर्क करो, वो इसीलिए बोला जाता है बिकॉज दैट इज़ द इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आप होमवर्क करते हैं तो डेफिनेट सी बात है कि आप क्या कर रहे हैं उसी बार उसी टाइम के साथ साथ उसी क्वेश्चंस को बार बार कर रहे हैं, एंड दैट इज़ हाउ दिस थिंग विल हेल्प यू, क्योंकि आपको सारे के सारे प्रॉब्लम्स जो हैं किस तरीके से डील करना है, किस कितने अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स आपको फेस करने मिल सकते हैं, वो सभी चीज़ें आपको मिलती है। सो यू शुड डेफिनेटली डू द होमवर्क एंड सबमिट इट टू अस, राइट। नाउ जो फोर्थ थिंग जो आपको मिलने वाला है, दैट इज द बाई वीकली क्विजेस। बाई वीकली क्विजेस क्यों होता है? बिकॉज एक वीक में ट्वाइस बार यू आर गोना टेस्ट इट, राइट। तो बेसिकली क्या होता है, आप लेक्चर पढ़ेंगे और टेस्ट देंगे, लेक्चर पढ़ेंगे टेस्ट देंगे, तो इससे फायदा क्या हुआ, आपको बहुत जल्दी जल्दी ये फीडबैक मिलता है कि आप कौन से टॉपिक में जो है कम मार्क्स लेके आ पा रहे हैं, या फिर जो आपका टॉपिक है वो वीक है स्ट्रांग है, ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी बाई वीकली क्विजेस से, वो भी बहुत जल्दी जल्दी। तो क्या होगा, आप उसी टाइम पर अपनी गलती को सुधार लेंगे, और ये बहुत ही बढ़िया मैथड है स्टडी करने के लिए। फिर नेक्स्ट आपको मिलेगा पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स। पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स क्यों? बिकॉज ये पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स आपको हेल्प करेंगे कि आप जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, जिस भी एग्ज़ाम के लिए एम कर रहे हैं, उस एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होगा, किस तरीके से आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, कितने क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं, किस तरीके के लेवल के क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये सभी चीज़ें आपको फैमिलियर हो जाएगा। तो जब आप फाइनल एग्जामिनेशन देंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप फाइनल एग्जामिनेशन दे रहे हैं, बिकॉज पैटर्न तो आप फैमिलियर हो चुके होंगे। सो ये सारे फीचर्स हैं फुल पैकेज के अंदर, और ये सभी के लिए बेनिफिशियल हैं। अगर आपने डिसाइड किया हुआ है दैट यू वांट टू गो फॉर दैट, देन यू शुड गो फॉर दैट, राइट। नेक्स्ट द टॉपिक है जो हमारा ये पैकेज का टॉपिक है, दैट इज द टेस्ट सीरीज। सो टेस्ट सीरीज में क्या होगा, टेस्ट सीरीज में यू विल बी गेटिंग द बाई वीकली क्विजेस, रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेस, एंड द थर्ड वन इज द पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स। ये सभी चीज़ें आपको
जो टेस्ट सीरीज में है. तो अगर आपको लगता है कि आपने बहुत कुछ जो है नॉलेज गेन कर लिया है, नाउ यू वांट टू टेस्ट योर सेल्फ, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट. राइट नाउ द थर्ड थिंग आई वांटेड टू टेल यू इज दैट यू कैन गेट एक्सेस टू 30% डिस्काउंट बाय राइटिंग दिस कोड CYLIVE. इफ़ यू राइट दिस कोड CYLIVE तो आपको मिलेगा 30% डिस्काउंट ऑन एनी ऑफ द पैकेज यू बाय फ्रॉम द टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स डॉट इन. उसके बावजूद भी चाहे भाई आपको ऐसा लगता है दैट यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट दीज पैकेजेस, यू कैन डेफिनेटली कॉल अस एंड द नंबर इज 9195490411111. सो यू कैन कॉल ऑन दैट नंबर, राइट, एंड यू कैन डेफिनेटली गेट एक्सेस टू ऑल द नॉलेज जो कि आपको इन पैकेजेस के बारे में होना चाहिए. इफ़ यू वॉन्ट टू नो यू कैन कॉल अस एंड ऑल योर क्वेरीज विल बी रिजॉल्व्ड ओवर देयर. So the third thing and the next thing is you should definitely promise yourself. So promise yourself you will be watching the whole lecture, you will be making proper notes and you will be revising on a daily basis. So अब time आ चुका है कि आप अपनी chapter 1 that is electricity को properly revise करना शुरू कीजिए. ठीक है, 15 minutes a day बहुत ही बढ़िया बात है, आप उसको करिए. Because 15 minutes में क्या होगा, आप पुराने chapter को वापस go through करेंगे तो बहुत ही बढ़िया बात होगी कि वो आपका दिमाग में अभी भी prepare रहेगा, ready रहेगा, right? ये चीज़ important है. And that's why I'm always telling you to revise the things again and again. अब देखो, अब जो है हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं. सो बेसिकली द चैप्टर इज मैग्नेटिज्म. ठीक है, मैग्नेटिज्म जो है चैप्टर है, तो इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि करंट की वजह से जो मैग्नेटिक इफेक्ट हमें देखने मिलता है, पूरा प्रॉपर नॉलेज तो हम उसी का लेंगे. ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी आपको बहुत सारी बातें जाननी ज़रूरी हैं, जैसे मैग्नेटिज्म क्या होता है, मैग्नेट क्या होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं. तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, मैग्नेटिज्म एक तरीके से एक यू कैन से एक ऐसा फील्ड है, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं अबाउट द बिहेवियर ऑफ द मैग्नेट्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मैग्नेट्स, या फिर वो कैसे कब बिहेव करेंगे नियर द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट और किसी और सिचुएशन में हाउ दे विल बिहेव, और हम लोगों को और ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स हैं वो कैसे देखने मिलते हैं, किसी करंट से देखने मिलते हैं, नहीं देखने मिलते हैं, करंट के चारों तरफ एक वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होता है, कैसा होता है. सो व्हेन वी स्टडी अबाउट ऑल सच थिंग्स वी आर स्टडी अबाउट मैग्नेटिज्म. सो बेसिकली दिस मैग्नेटिज्म इज एक्चुअली द यू कैन से द स्टडी ऑफ द मैग्नेट्स एंड इट्स बिहेवियर. ठीक है, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का भी बिहेवियर, हाउ इट बिहेव्स अराउंड समथिंग एल्स लाइक समथिंग अ कर्व्ड वायर और यू कैन से अ स्ट्रेट वायर. ठीक है, बहुत सारे टाइप्स के हम लोग जो हैं इसको स्टडी करने वाले हैं. तो स्टार्टिंग तो यहीं से होगी दैट वी आर डूइंग स्टडी अबाउट द मैग्नेटिज्म, राइट. सो बेसिकली व्हाट इज दैट, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेट, राइट. तो हम उसके बारे में जो कुछ भी है, जितना भी नॉलेज है, वो सब स्टडी करते हैं एंड दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. सो दिस चैप्टर इज टोटली फोकस्ड ऑन द मैग्नेटिज्म. ऑलराइट, नाउ सी व्हाट वी वांट टू आई वांट टू कन्वे दैट कि अब जो है मैग्नेटिज्म को जानने के बाद, क्योंकि हमें पता चल गया भाई मैग्नेटिज्म के अंदर हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेट के बारे में पढ़ते हैं. अब मैग्नेट क्या होती है ये हमें पता होना चाहिए. मैग्नेट जो होता है ये होता तो एक छोटा सा सब्सटेंस ही है. ठीक है, एक सब्सटेंस है, यू कैन से एक ऐसा सब्सटेंस जो कि क्या करता है, दूसरे सब्सटेंसेस को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है. सो बेसिकली ये कुछ ही तरीके के मटेरियल्स को अट्रैक्ट करता है, और वो कौन होते हैं, आयरन. दिस इज आयरन. ठीक है, आयरन का यू कैन से सिंबल है Fe, कैपिटल F स्मॉल E. उसी तरीके से निकल, ये है निकल का सिंबल. ठीक है, NICKEL. ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज कोबाल्ट, ये है कोबाल्ट का सिंबल. सो दिस इज दिस आर द थ्री थिंग, ऐसे थ्री सब्सटेंसेस हैं, और यू कैन से थ्री ऐसे मेटल्स और थिंग्स हैं कि भाई ये जो तीनों चीज़ें हैं वो मैग्नेट अट्रैक्ट कर पाती है इन तीनों को. तो जो ऐसा सब्सटेंस है जो इन तीनों को अट्रैक्ट करे, दैट इज़ नोन एज द मैग्नेट. ठीक है, उसको हम मैग्नेट बोलते हैं. और ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, जो सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो होता है, ठीक है, मैग्नेट तो अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, साथ ही साथ वो अपने आप को यानी वो मैग्नेटिक मटीरियल खुद को क्या करे, नॉर्थ साउथ वाला जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ है उसी डायरेक्शन में खुद को अलाइन कर ले. ठीक है, वो हमेशा उसी डायरेक्शन में ही रहना चाहता है. सो अगर उसके ऊपर वो फ्री है, ठीक है, उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, तो अपने आप को वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में खुद को अलाइन कर लेगा, वो उसका प्रॉपर्टी होता है. ठीक है, तो देखो मैं आपको बताती हूँ, इट इज़ अ सब्सटेंस विच अट्रैक्ट्स मटीरियल्स मेड अप ऑफ आयरन, निकल एंड कोबाल्ट एंड
अलाइंस इन जोग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वेन सस्पेंडेड फ्री. जब उसको फ्री छोड़ दिया जाता है दैट इट कैन मूव इन एनी डायरेक्शन, तो वो खुद को क्या करता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, जोग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में खुद को अलाइन कर लेता है. ये प्रॉपर्टी होता है मैग्नेट की. तो कोई भी पत्थर अगर ऐसा कर रहा है, कोई भी पत्थर आई एम टॉकिंग अबाउट, कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी पत्थर अगर ये कर रहा है तो दैट मीन्स इट इज़ अ मैग्नेट. ऑलराइट, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए. सो नोट इट आउट, आपको पता होना चाहिए क्या होता है. अब देखो मैग्नेट जो है उनका बहुत सारे शेप्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे शेप्स होते हैं. कुछ होते हैं नेचुरल मैग्नेट्स, कुछ होते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, राइट. तो जो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होते हैं उनका शेप ह्यूमन मेड है, मतलब हम लोगों ने उनका शेप दिया है. सो बेसिकली बहुत शेप्स में आते हैं. आप मेन शेप्स को देखो, जैसे दिस इज नोन एज द बार मैग्नेट. तो ये एक सिंपल एक बार की तरह होता है, इसका नाम होता है बार मैग्नेट. इसका नाम होता है हॉर्स शू मैग्नेट, ठीक है. तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं बार मैग्नेट, ठीक है. इसका है हॉर्स शू, क्योंकि ये ना क्योंकि ये घोड़े के जूते की तरह दिखता है, तो दैट्स व्हाई इट्स नेम इज द हॉर्स शू मैग्नेट. तो तुम लोग जो है इस शॉप जो मतलब इसका शेप है वो कुछ ऐसा ही है. सो इस मैग्नेट के केस में जो उसके पोल्स होते हैं, जब हम बार मैग्नेट की बात करते हैं तो इसके जो पोल्स होते हैं वो कुछ ऐसा होता है, एक नॉर्थ एक साउथ, तो दो ही पोल्स होते हैं, ठीक है. यहाँ पर भी दो ही पोल्स होंगे, बट वो किस तरीके से होंगे, वो कुछ इस तरीके से होंगे कि एंड पे आपको मिलेंगे एंड दिस पार्ट इस पे पोल नहीं होता, ठीक है. सो पोल्स आर दीज नॉर्थ एंड साउथ एंड दिस इज दी यू कैन से रिंग शेप्ड मैग्नेट. तो ये भी एक रिंग शेप्ड मैग्नेट होती है. इसके पोल्स जो होते हैं वो ऊपर और नीचे हो सकते हैं, ठीक है. तो ये तीन तरीके के मैग्नेट जो होती हैं वो होती हैं, डेफिनेट सी बात है. हम लोगों ने उनका शेप कुछ इस तरीके से दिया है. सो देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ शेप्स, लेकिन वो सारी की सारी आर्टिफिशियल्स होती हैं. वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट थोड़े ही टाइम बाद. सो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको फटाफट से मैग्नेट का डेफिनेशन नोट कर लेना है, ठीक है. ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे और आगे की बातें स्टडी करते हैं कि मैग्नेट्स को कैसे डिस्कवर किया गया. तो देखो बहुत बड़ी कहानी तो नहीं है, छोटी सी कहानी है और वो बहुत फेमस भी है. उसमें क्या होता है, मैं आपको कहानी सुनाती हूँ. उसमें क्या होता है कि एक पर्सन होता है, ठीक है. वो क्या होता है, एक शेफर्ड होता है. तो वो क्या करता था, उसके पास बहुत सारी शीप्स थी. वो उन शीप्स को हमेशा जो है बेसिकली वो क्या करते थे, वेंडर करते रहते थे माउंटेन्स पे, उनको चराने के लिए वो लेके जाता था. अब क्या होता था कि उसके पास एक स्टिक थी, ठीक है. वो जो स्टिक थी उसके एक एंड पे आयरन की बनी हुई थी, दूसरे एंड पे वो लकड़ी की बनी हुई थी, ठीक है, वुड की बनी हुई थी. तो क्या हुआ, वो स्टिक को हमेशा अपने साथ रखता था, ठीक है. तो वो पूरे जो भेड़ होती है वो इधर उधर जाते रहती है, शीप्स हैं इधर उधर जाते रहती हैं, और वो उनको क्या करता था, उनको देखता था, संभालता था, ठीक है. तो वो एक बार उनको चराते चराते किसी पहाड़ पे चला गया, ठीक है. जहाँ पर वो गया वहाँ पे वो ऐसे ही बैठा हुआ था. फिर एक क्या हुआ, जैसे उसकी भीड़ इधर उधर जा रही थी, उनको अरेंज करने के लिए वो गया, और उसी वक्त उसने क्या देखा कि उसका जो स्टिक है, उसका जो आयरन का वाला पार्ट है, वो एक पत्थर पे एक तरीके से अट्रैक्ट हो गया, स्टिक हो गया वो उससे. वो बहुत ज़ोर से खींचा उसने पर वो नहीं हुआ. सो बेसिकली वहाँ से डिस्कवर हुआ दैट देयर इज़ अ पत्थर, मतलब वी कैन से कि भाई देयर इज़ अ सम टाइप ऑफ सब्सटेंस जो कि क्या करता है, आयरन को अट्रैक्ट करता है. वहीं से ही जो है स्टार्ट हुआ. उसका नाम क्या था, उस शेफर्ड का नाम था मैग्नस. और वो जिस गांव से था, या फिर आप बोल सकते हैं वो जो पत्थर जिस गांव में मिला, दैट वाज द मैग्नेशिया, ठीक है. वो क्या था, वो मैग्नेशिया था. और वो कहाँ मतलब कहाँ सिचुएटेड था, एशिया माइनर में वो सिचुएटेड था. सो बेसिकली इट वॉज द टॉकिंग अबाउट 120 AD, मतलब बहुत 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 पहले की बात है, ठीक है. वहाँ पर क्या हुआ, ये क्योंकि देखो हम लोग उसको मैग्नेट बोल देते हैं, बट एक्चुअली में दैट इज द आयरन ओर ऑफ वॉट Fe3O4. इसका जो है वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा भंडार था वहाँ पर, राइट. दैट्स वाई वहाँ से जो है मैग्नेट का डिस्कवर हुआ, वहाँ से डिस्कवरी हुई उसकी. पता चला लोगों को कि भाई ऐसा पत्थर एग्जिस्ट भी करता है, ये भी कुछ ऐसा पावर होती है उसमें जो सभी आयरन की चीज़ें और निकल कोबाल की चीज़ें अट्रैक्ट हो जाती हैं. दैट वॉज न्यू फॉर एवरीवन, राइट. देखो ये जो ऑर ऑफ आयरन होती है विच आर फाउंड अट्रैक्टिंग ऑफ स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे, क्योंकि देखो नेचुरल मैग्नेट है उसमें उतना पावर नहीं
नहीं हो सकता, बट इट हैज़ अ पावर ऑफ अट्रैक्टिंग. तो छोटी छोटी चीज़ों को वो अट्रैक्ट कर पाता था, जैसे जैसे छोटे पीसेज ऑफ लेट्स से यू कैन से आयरन नेल्स को कर पाता था, ठीक है. तो वो जब उसको स्टिक हुआ देन ही विड बी लाइक उसको रियलाइज हुआ दैट देयर इज समथिंग जो कि आयरन को अट्रैक्ट कर सकता है. फिर उसने वुड से ट्राई किया, वुड से ट्राई करने पर कुछ भी अट्रैक्शन नहीं हुआ, तभी उसे पता चला दैट इट ऑलवेज अट्रैक्ट्स द आयरन ओनली, राइट. ये पता चला और इसी वजह से उसका जो नाम है उसको मैग्नेट रखा गया, क्योंकि वो क्या बोलते थे, छोटे छोटे पत्थरों को अट्रैक्ट करता था, ऑफ द मैग्नेटाइट, राइट. तो वहां पर उसका नाम जो है मैग्नेट रखा गया. दैट वाज द स्टोरी ऑफ दी कि भाई किस तरीके से डिस्कवर हुआ, एंड वो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट शेफर्ड. अगर वो शेफर्ड नहीं होता तो शायद हमें मैग्नेटिज्म नहीं मिलता, राइट. सोचो तुम खुद से. अब देखो, जो टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स होती हैं वो दो तरह की होती है, नंबर वन द नेचुरल, नंबर सेकेंड दी आर्टिफिशियल. जो नेचुरल मैग्नेटिक होते हैं वो डेफिनेटली जो उस बंदे को मतलब वो शेफर्ड को मिले थे, राइट, वो जो पत्थर मिले थे दैट वाज द नेचुरल मैग्नेट, क्योंकि वो एग्जिस्ट करती है नेचर में, वो नेचर के थ्रू हमें पता चली. सो दैट वाज यू कैन से द नेचुरल वन. लेकिन उसी नेचुरल को जो है उसी नेचुरल को फॉलो करते हुए, उसी नेचुरल सब्सटेंस को स्टडी करते हुए वी डिस्कवर्ड द आर्टिफिशियल मैग्नेट, राइट. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैग्नेट, दैट इज यू कैन से द नेचुरल वन एंड द आर्टिफिशियल और द मैन मेड. तो इनका डेफिनेशन तो जानने की जरूरत ही नहीं है. क्यों? क्योंकि आप सिंपली नेचुरल मैग्नेट को बोल सकते हो कि भाई द मैग्नेट एग्जिस्ट इन नेचर और फॉर्म्ड बाय द नेचुरल प्रोसेसेस आर नोन एज द नेचुरल सब्सटेंसेस. और हम आर्टिफिशियल के लिए क्या लिख सकते हैं, द मैग्नेट विच इज ह्यूमन मेड और विच इज मेड आर्टिफिशियली आर नोन एज द आर्टिफिशियल मैग्नेट. तो ये डेफिनेशन तो आप बहुत ईजिली बना सकते हो. एग्जाम्पल देखो, Fe3O4, मैग्नेटाइट, ब्लैक आयरन ऑक्साइड या फिर लोडस्टोन, कुछ इस तरीके का दिखता है. इसका कोई शेप नहीं होता, इसका कोई प्रेफर्ड शेप नहीं होता, ठीक है. तो ये इस तरीके का कुछ कोई भी शेप हो सकता है. एंड सी, एक स्टेपलर की पिंस को जो है इसने अभी अट्रैक्ट किया हुआ है. तो दिस इज नोन एज द नेचुरल मैग्नेट. फिर कुछ हैं जो कि ह्यूमन ने बनाए हैं. अब ह्यूमन ने बनाए हैं तो वो उन्होंने कुछ शेप उसको दे दिया. दैट्स वाई जो भी शेप्ड मैग्नेट्स आप देखते हो वो सभी के सभी क्या होते हैं, आर्टिफिशियल और ह्यूमन मेड होते हैं. तो देखो, ये बार मैग्नेट का जो है यहाँ पे फोटो लगा हुआ है. एंड यू कैन से हॉर्सशू मैग्नेट भी होता है, बॉल एंडेड मैग्नेट भी होता है, बहुत तरीके के मैग्नेट्स होते हैं. तो आई वुड रिकमेंड कि आप अभी क्या करें, फटाफट से इन दोनों का डेफिनेशन अपनी कॉपी में लेके, इन दोनों के एग्जांपल्स लेके, बिकॉज Fe3O4 याद रहना चाहिए, Fe3O4, राइट, ये आपको याद रहना चाहिए. सो यू शुड नोट इट आउट फास्ट, ठीक है, ताकि हम आगे की चीजें को भी कंटिन्यू कर सके. चलें आगे फटाफट से, ठीक है. देखो, मैग्नेटिज्म जो है डेफिनेटली बात है, कोई ना कोई कुछ तो करेगा ही, है ना. तो मैं बताती हूँ कि जब ये मैग्नेटिज्म का स्टडी जो है स्टार्ट हुआ, मतलब मैग्नेट को पढ़ना, पहले तो मैग्नेट मिला, डेफिनेटली बात है मैग्नेट मिला. तो क्या हुआ, जब मैग्नेट के बारे में लोगों को पता चला कि भाई इस तरीके का कोई पत्थर है, इस तरीके का कोई सब्सटेंस है जो कि आयरन को अट्रैक्ट करता है, तो ये कितना चमत्कारी पत्थर होगा, ऐसे बहुत सारे जो है लोगों को ये पता चला, ठीक है. लेकिन इसका एक्चुअली में डिटेल्ड स्टडी, जो हम बोल सकते हैं साइंटिफिक स्टडी, वो किसने किया, वो इन्होंने किया. एंड द नेम ऑफ दैट पर्सन इज विलियम गिलबर्ट, ठीक है. इन्होंने क्या किया, मैग्नेट की सभी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया, मैग्नेट की जो भी उसका नेचर है, वो किस तरीके से बिहेव करता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, उन सभी चीज़ों को स्टडी किया. एंड दैट वाज रिटन इन इन हिज बुक, राइट. उनकी खुद की जो उन्होंने बुक लिखी मैग्नेट के बारे में, उसके अंदर जो है ये सब उन्होंने डिस्कवरी नोट की, भाई इनको क्या क्या पता चला, इन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया, वो सब लिखा, राइट. देखो, यहाँ पे एक उन्होंने ये बताया कि एक मैग्नेट का, मैग्नेट होने की कंडीशन क्या थी. कोई भी सब्सटेंस अगर मैग्नेट है तो वो क्या प्रॉपर्टीज उसमें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए जिसकी वजह से हम उसे बोलें कि हाँ ये मैग्नेट है. सो देयर वर टू कंडीशंस. नंबर वन, इट शुड अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, उसको अट्रैक्ट करना था. अगर कोई सब्सटेंस ऐसे अट्रैक्ट करता है, ठीक है, तो वो वन कंडीशन को फुलफिल करता है, दैट इट इज अ मैग्नेट, ठीक है. सेकंड कंडीशन क्या थी, इट शुड ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली, जब उसको फ्रीली छोड़ दिया. लेट्स से आपने एक धागे से उसको टाई कर दिया एंड यू जस्ट लेफ्ट इट आउट, तो ये फ्रीली हैंग हो रहा है, सस्पेंड हो रहा है, राइट. एंड वेन एवर दैट हैपन्स, वो खुद को क्या करता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेता है, अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में खुद को अलाइन कर लेता है. तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट देयर आर टू कंडीशंस, दे हैव टू फुलफिल
अ सब्सटेंस टू बी अ मैग्नेट. एक सब्सटेंस को मैग्नेटिक घोषित करने के लिए, मैग्नेटिक उसको डिक्लेयर करने के लिए दैट इट इज अ मैग्नेट, देयर हैज़ टू बी टू कंडीशंस फुलफिल्ड बाय दैट सब्सटेंस. एंड द नंबर वन इज इट शुड अट्रैक्ट स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन. नंबर टू इट शुड अलाइन इटसेल्फ इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. ऑलराइट, सो बेसिकली दीज वर टू कंडीशंस जो कि आपको डेफिनेटली नोट आउट कर लेना चाहिए, बहुत बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इससे ही आपको पता चलेगा दैट अ सब्सटेंस इज मैग्नेट और नॉट. तो कभी गलती से तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो जाए कि भाई तुम्हें पता करना पड़े कि क्या ये मैग्नेट है या नहीं है, तो चेक इट आउट योरसेल्फ. राइट, आप डेफिनेटली खुद से चेक कर सकते हैं. चलो अब मैं आपको बताती हूँ आगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेट्स. मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को क्लासिफाई करने के लिए वी डेफिनेटली जो है जितने भी हमारे आसपास सब्सटेंसेस हैं उनको हमने टू टाइप्स में डिवाइड कर दिया. कुछ मटेरियल्स, कुछ सब्सटेंसेस जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं और कुछ सब्सटेंसेस जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते हैं. सो बेसिकली मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस. मैग्नेटिक मटेरियल्स और सब्सटेंसेस वो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, निकल एंड देयर अलॉयज. तो ये जो अलॉयज हैं, ये जो मेटल्स हैं, ये अट्रैक्ट होते हैं, तो इनको हमने किस कैटेगरी में डाल दिया? मैग्नेटिक मटेरियल्स या फिर मैग्नेटिक सब्सटेंसेस की कैटेगरी में डाल दिया. वहीं दूसरी तरफ जो मटेरियल्स हैं वो क्या हैं? नॉन मैग्नेटिक है, मतलब ऐसे मटेरियल्स जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते. लाइक अब बोल सकते हो तुम प्लास्टिक बोल सकते हो, ठीक है, वुड बोल सकते हो, ग्लास बोल सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ना अपने आसपास. आप देखो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होती है, तो हम उनको क्या बोलेंगे? नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस. सो जितने भी सब्सटेंसेस हमारे आसपास अवेलेबल है उनको हमने क्या कर दिया? क्लासिफाई कर दिया इन टू डिफरेंट ग्रुप्स. ठीक है, एंड दीज ग्रुप्स वर दीज, द मैग्नेटिक वन एंड द नॉन मैग्नेटिक. सो नोट इट आउट ताकि हम लोग आगे की तरफ बढ़ सकें. ये सब बातें आपको बस पता होनी चाहिए, बिकॉज जब हम असलियत में मैग्नेटिज्म का रियल थिंग हम लोग स्टडी करेंगे वहां पर ये हमको बहुत बेनिफिट देगा. चलो अब हम चलते हैं आगे एंड वी स्टडी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट. जो प्रॉपर्टीज़ जो गिलबर्ट थे उन्होंने अपनी बुक में लिखी, उन प्रॉपर्टीज़ को हम लोग स्टडी करेंगे. और उनकी बुक का नाम क्या था? द मैग्नेट. उन्होंने अपनी बुक का नाम रखा था द मैग्नेट, और उसके अंदर उन्होंने जितनी भी प्रॉपर्टीज़ उन्होंने खुद ऑब्जर्व की थी उन सभी को लिस्ट आउट कर दिया था. सो नंबर वन प्रॉपर्टी जो एक मैग्नेट की होती है वो ये होती है, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी. इट ऑलवेज अट्रैक्ट द पीसेज ऑफ आयरन, कोबाल्ट एंड निकल एंड देयर अलॉयज. सो ये जो मैग्नेट है वो उसका प्रॉपर्टी है ही है कि वो आयरन, निकल, कोबाल्ट को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा ही करेगा. इट हैज़ एन अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी. ठीक है, और ये जो प्रॉपर्टी है उसको आप खुद भी टेस्ट आउट कर सकते हैं. सो द एक्टिविटी जिसकी वजह से यू कैन टेस्ट इट आउट, तो आपको क्या करना है? सिंपली क्या करना है? एक पेज लेना है, और यू कैन से एनी सरफेस. उस सरफेस के ऊपर आप क्या करें? आयरन फिलिंग्स को स्प्रेड आउट कर दें. ठीक है, उस सरफेस के ऊपर जब आप उसको स्प्रेड आउट कर देंगे उसके ऊपर से क्या करें? आप मैग्नेट को लेकर जाएं, उसके ऊपर पूरा अच्छे से मैग्नेट का हर कुछ इस तरीके से आप उसको स्प्रेड आउट कर सकते हैं, उस मैग्नेट को उसके ऊपर पूरा कर सकते हैं. कैसे? कि भाई हर एक पार्ट मैग्नेट का जो है उसको एक्सपोजर मिल सके आयरन फिलिंग्स का. राइट, तो आप क्या करेंगे? उसको पूरा अच्छे से रोल आउट कर देंगे. ठीक है, रैप अप कर देंगे विद दी यू कैन से, खुद से नहीं करना, वो खुद कर लेगा खुद को रैप अप. ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है भाई, तुमने देखा आयरन फिलिंग तुमने बिखेर दी, ठीक है, तुमने स्प्रेड आउट कर दी, बट मैग्नेट को जब आप उसके ऊपर लेकर गए, आपने उसके ऊपर जो है उसको देखा कि पास ले जाते ही मैग्नेट जो है क्या कर रही है? सारे आयरन फिलिंग्स को अट्रैक्ट कर रही है. तो वो प्रॉपर्टी आप खुद जो है देख पाएंगे, ऑब्जर्व कर पाएंगे दैट येस इट अट्रैक्ट्स द पीसेज ऑफ आयरन. ऑल राइट, सो बेसिकली दैट इज द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी. ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप आयरन फिलिंग्स को देख पाएंगे. दीज आर द आयरन फिलिंग्स. अब आप यहाँ एक बात ध्यान से देखो, ये जो आयरन फिलिंग्स होती हैं ये जो अट्रैक्ट होती हैं तो वो किन्हीं किन्हीं प्लेसेस पे तो ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती है और किन्हीं किन्हीं प्लेसेस पे कम अट्रैक्ट होती है. तो देखो, साउथ पोल पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में आयरन फिलिंग्स स्टिक हो रखी है. ठीक है, नॉर्थ पोल में बहुत ज़्यादा अमाउंट में आयरन फिलिंग्स स्टिक होकर रखी हुई हैं. तो द बेसिक थिंग इज़ कि ये जो दो पॉइंट्स हैं यहाँ पे ज़्यादा फोर्स है
हम बोल सकते हैं ना यहाँ पे मैग्नेट का ज्यादा फोर्स है, तो ज्यादा से ज्यादा आयरन फिलिंग्स यहाँ पे स्टिक हो गई। अगर हम बीच के लेंथ की बात करें तो यहाँ पे जो है कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो यहाँ पे मैग्नेट जो है कम अट्रैक्ट करती है, तो यहाँ पे आयरन फिलिंग्स भी कम ही होती हैं स्टिक। ठीक है, फिर अगर हम हॉर्सशू मैग्नेट की बात करें कि हॉर्सशू मैग्नेट में कहाँ कहाँ कैसे जो है अट्रैक्शन होता है, तो वो कुछ इस तरीके से होता है कि भाई पोल्स जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको आयरन फिलिंग्स मिल जाएंगी, लेकिन उसकी जो बाकी लेंथ है वहाँ पर बहुत ही कम अमाउंट की आपको आयरन फिलिंग्स मिलेंगी। फिर देखो अब जो है इंपॉर्टेंट चीज़ की कोई भी बार मैग्नेट है देखो तो क्या होता है, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे ज़्यादा आपको आयरन फिलिंग्स मिलेंगी, दोज पॉइंट्स आर नोन एज द पोल्स, ऑल्सो दोज पॉइंट्स हैव ग्रेटर अट्रैक्शन वहाँ पर प्रेजेंट है, राइट। तो देखो पोल्स पे जो कि उसका वन पोल है एंड दी अदर अनदर पोल, तो यहाँ पर जो यू कैन से ज़्यादा आपको दिखेगा आयरन फिलिंग्स एंड दिस शोज कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, राइट। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, मतलब हम बात करते हैं इसकी सिंपल मिडिल की भाई की जो बार मैग्नेट है उसका ये सेंटर है, तो कुछ इस एरिया में देयर वुड बी वेरी मच लेस आयरन फिलिंग्स, लगभग एक दो आपको मिल सकती है। तो लेस आयरन फिलिंग्स क्यों, बिकॉज यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स इज वेरी मच लो एज कंपेयर टू दी पोल्स, ठीक है। तो ये बिहेवियर जो है शो करती है, अट्रैक्ट तो करती है बट ऑलवेज जो पोल्स होते हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं बिकॉज देयर इज स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ मैग्नेट ओवर देयर, ठीक है, और जो उसका सेंटर पार्ट होता है वहाँ नहीं करते बिकॉज वहाँ पर जो है बहुत ही कम रहता है मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी थी वो आपको पता होना चाहिए, तो यू शुड राइट दी ऑब्जर्वेशन दैट कि जितनी भी जो आयरन फिलिंग्स हैं दे आर मोस्टली गेट अट्रैक्टेड टू दी पोल्स बिकॉज एट पोल्स देयर इज ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, ज़्यादा फोर्स होता है। बल्कि जो अगर हम मिडिल पार्ट की बात करें, सेंटर की बात करें, तो फिर वहाँ पर आयरन फिलिंग्स उतनी ज़्यादा नहीं दिखेंगी बिकॉज देयर इज़ वेरी मच लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो ये जो बातें हैं ऑब्जर्व करना है आपको एंड यू हैव टू राइट इट आउट। आपको सिंपल्स जो है अपनी चीज़ें जो भी आपको समझ में आता है यू कैन डेफिनेटली राइट दैट आउट बिकॉज वो ज़रूरी है, राइट। तो आप क्या करें, फटाफट से नोट करें। चलो अब जो है हम लोग डिस्कस करते हैं पोल्स ऑफ अ मैग्नेट को, राइट। सो पोल्स ऑफ अ मैग्नेट जो है वो हम डिस्कस करते हैं। देखो ऐसे पॉइंट्स जहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर उनको हमने बोल दिया है पोल्स। देयर आर द टू पोल्स ऑफ द एवरी मैग्नेट हैज़ टू पोल्स, ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंटली ध्यान रखनी है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि भाई एक ही पोल वाला मैग्नेट एग्जिस्ट है करता हो, ऐसा नहीं होता। सो सी द पॉइंट्स ऑन द मैग्नेट विच हैव मैक्सिमम अट्रैक्शन प्रॉपर्टी आर कॉल्ड द पोल्स ऑफ द मैग्नेट। तो एक मैग्नेट के जो पोल्स होते हैं लाइक द साउथ पोल एंड द नॉर्थ पोल, तो ये जो दो पोल्स हैं दीज आर द पॉइंट्स जहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है और यू कैन से द मैक्सिमम, इस पूरे बार मैग्नेट का मैक्सिमम जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो साउथ एंड नॉर्थ पोल पर होगा। ऐसा मत बोलो कि साउथ पोल ज़्यादा होगा नॉर्थ पोल कम होगा, ऐसा नहीं है, दोनों बराबर हैं, ठीक है, हम इक्वालिटी पे ध्यान देते हैं। अब देखो द पोल ऑफ द मैग्नेट लाइज स्लाइटली इनसाइड फ्रॉम द एंड, हमेशा ये बात ध्यान रखो कि ये जो यू कैन से जो हमारे पोल्स होते हैं वो एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है कि बार मैग्नेट यहाँ ख़त्म हो रही है तो यहाँ पे पोल हैं, यहाँ नहीं होते हैं, दे आर स्लाइटली जो है अंदर की तरफ होते हैं, ठीक है, दोनों ही साइड में, दोनों ही साइड में मैं बातें कर रही हूँ। तो अगर एक एंड है उसमें हल्का सा आप अंदर जा रहे हैं तब जाके आपको जो है पोल मिल रहा है साउथ पोल, तो आप ऐसे बोल सकते हैं जहाँ एस लिखा हुआ है ना वहीं पे एग्जैक्टली साउथ पोल है, ठीक है। उसी तरीके से जहाँ नॉर्थ लिखा हुआ है ना वहीं पे एग्जैक्टली नॉर्थ पोल है, ऐसा नहीं है कि वो आपको यहाँ मिलेगी, यहाँ पे नहीं, पोल्स यहाँ नहीं होते, दे आर स्लाइटली इनसाइड ऑफ द मैग्नेट, राइट, दोनों ही तरफ, दोनों ही पोल्स ऐसे होते हैं। और वो किस तरीके से होते हैं कि भाई मानो अगर जो लेंथ है मैग्नेट की लेट्स से इट इज़ एल, ठीक है, अगर टोटल लेंथ ऑफ द मैग्नेट इज एल तो पोल्स के बीच में डिफरेंस कितना होगा, ये जो पोल्स हैं उनके बीच में कितना होगा, 0.84 L, ठीक है, दैट वुड बी द डिफरेंस बिटवीन द
पोल्स, ठीक है। तो आप सोचो पूरे लेंथ का आप बोल सकते हो 0.16 जो पार्ट है वो तो यहाँ रह गया, उसका मतलब 0.08 यहाँ रह गया, 0.08 वहाँ रह गया बाहर की तरफ, एंड देन दे आर इनसाइड। तो मतलब जो पोल्स होते हैं वो एक्चुअली में एंड पे नहीं होते, वो स्लाइटली इनसाइड होते हैं फ्रॉम बोथ दी एंड्स, ठीक है। और वो कितने एंड्स पे होते हैं, 0.08 आप बोल सकते हैं, 0.08 टाइम्स ऑफ द एल, बिकॉज जो अंदर के पोल्स हैं जहाँ एक्चुअली सिचुएटेड हैं वहाँ पर अगर हम उन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखें तो वी गेट 0.84 एल। अगर उतने टाइम्स का एल हम देख रहे हैं तो हम निकाल सकते हैं कि भाई एंड से जो पोल्स हैं वो कितने अंदर हैं, ये चीज़ हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ था, मेक इट अ स्टार मार्क, क्योंकि ये जो चीज़ है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दिस इज अ जनरल इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होना चाहिए, सो नोट इट आउट। ठीक है, अब देखो, अब हम बताते हैं सेकंड प्रॉपर्टी, दैट इज़ द डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी का मतलब कि भाई अगर हम उसको फ्री छोड़ दें मैग्नेट को, तो वो खुद को क्या करेगा, नॉर्थ यानी अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ में खुद को अलाइन कर लेगा। हाउ यू कैन टेस्ट आउट दैट, वो आप कैसे कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, या तो आप क्या करें थ्रेड को, मतलब थ्रेड से जो बार मैग्नेट है उसको क्या करें मिडल से आप उसको बांधें और थ्रेड से उसको हैंग कर दें, सस्पेंड कर दें, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, उसको टाई कर दिया एंड यू फ्रीली आप उसको छोड़ दो, ठीक है। तो जब आप उसको छोड़ोगे तो क्या होगा, वो खुद को जो है अर्थ के नॉर्थ साउथ जो डायरेक्शन है उसका जो ज्योग्राफिकल पोल है उसको खुद को अलाइन कर लेगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी दिखाता है दैट इट हैज़ अ डायरेक्शन, राइट। ये इसका डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है दैट कि खुद को जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में खुद से अलाइन कर लेता है। उसका अलावा भी, जैसे इफ़ यू डोंट वांट टू हैंग दैट मैग्नेट, तो आप दूसरा तरीका यूज़ कर सकते हैं, मेक इट फ्लोट। हाउ, आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी एक टब में, लेट्स से बकेट में आप वाटर फिल कीजिए, उसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, एक वुडन पीस रख सकते हैं या फिर कोई प्लेट रख सकते हैं ताकि वो फ्लोट हो सके, और उसके अंदर यू कैन कैप दैट मैग्नेट। तो क्या होगा, मैग्नेट खुद को अपनी तरफ से अलाइन करेगा इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो ये जो एक्टिविटी है, और यू कैन से कि भाई ये तरीका जिससे आप टेस्ट आउट कर रहे हैं, व्हाट यू आर टेस्टिंग आउट इज द डायरेक्शनल प्रॉपर्टी एंड दिस शोज यू दैट इट हैज़ अ डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। अब देखो वो अब हम जो है पोल्स डिसाइड कर सकते हैं इसी मेथड से। कैसे डिसाइड कर सकते हैं भाई कि कौन सा साउथ पोल है और कौन सा नॉर्थ पोल है, और वो हम कैसे बताएंगे, जो पोल, ठीक है, जो पोल अर्थ के नॉर्थ डायरेक्शन में है दैट वुड बी द नॉर्थ पोल, जो पोल अर्थ के साउथ डायरेक्शन में है दैट इज दी, जो पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है। जो मतलब यू कैन से कि अर्थ के नॉर्थ पोल में जो भी पोल पॉइंट आउट कर रहा है दैट वुड बी कंसीडर्ड एज द नॉर्थ पोल। अर्थ के साउथ पॉइंट पे जो भी जो पोल है वो वहाँ पर डायरेक्ट करता है, उसको डायरेक्ट करता है, देन दैट वुड बी टेकन एज दी साउथ पोल। तो इससे क्या कर सकते हैं, आप एक मैग्नेट के पोल्स भी पता कर सकते हैं दैट विच वन इज दी साउथ और दी नॉर्थ पोल, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, राइट। सो यू कैन डेफिनेटली टेस्ट दैट आउट, यू कैन राइट दैट आउट, द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट्स टूवर्ड्स द नॉर्थ, वो एंड जो कि क्या कर रहा है, नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है, दैट वुड बी द नॉर्थ पोल, वाइल द अदर एंड ऑफ द मैग्नेट पॉइंटिंग टूवर्ड्स द साउथ इज नोन एज द साउथ पोल। तो यहाँ से इस एक्टिविटी से यू कैन से दैट कि एक तो हमें पता चला दैट इट हैज़ अ डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, ठीक है, नॉर्थ साउथ, और दूसरा हमें ये भी पता चला कि भाई उस मैग्नेट का कौन सा पोल नॉर्थ है और कौन सा पोल साउथ है। वैसे तो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स में ये मार्क रहता है कि दैट विच वन इज नॉर्थ एंड विच वन इज साउथ, बट अगर लेट्स से कि आपको मार्क नहीं मिला, ऑलराइट, लेट्स से यू डू नॉट, तुम्हारे मैग्नेट में कोई मार्क नहीं है, सो यू कैन टेस्ट द मैग्नेट और द, यू कैन से द नॉर्थ और द साउथ पोल बाय योरसेल्फ जस्ट बाय डूइंग दैट मेथड, राइट। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं, सो यू शुड डेफिनेटली नोट दैट आउट, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को नोट करो, देन वील बी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट प्रॉपर्टी।
पता है ये वाली जो एक्टिविटी जब आप कर रहे होंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। कैसे इंतज़ार करना पड़ेगा, लेट्स से आपने उसको हैंग कर दिया है तो उसको थोड़ा इंतज़ार करने दो, ठीक है, उसको जो है खुद को रेस्ट में लाने दो। जब वो खुद को रेस्ट में ला लेगा, जब लेकर आ जाएगा, तब आप उसको जो है मेंशन कर सकते हो दैट विच वन इज साउथ एंड द नॉर्थ पोल, बिकॉज उसको भी टाइम चाहिए थोड़ा रेस्ट में आने के लिए, राइट। वो जो आफ्टर जब वो रेस्ट में आ जाए, स्टेबल हो जाए, तब आप उसको चेकआउट करो, तब आपको ज़्यादा अच्छा ऑब्जर्वेशन होगा, ठीक है। ये बात आपको जो है ध्यान में रखनी चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, एंड दैट इज, सबको पता है, लाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ये जो प्रॉपर्टी है ये खुद भी आप टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप उसको क्या करेंगे, मतलब खुद से टेस्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, यू हैव टू टेक 2 मैग्नेट्स, आप 2 बार मैग्नेट्स ले, ठीक है, और क्या करो, 1 बार मैग्नेट को हैंग कर दो, ठीक है, आप उसको हैंग कर दो, ठीक है। और क्योंकि जब वो हैंग करोगे तो फिर थोड़ा रुको, जब आप रुकोगे तो आपको धीरे धीरे जो मैग्नेट है वो रेस्ट पर आ जाएगा, वो स्टेबल हो जाएगा, तब आपको पता चल जाएगा विच वन इज़ नॉर्थ एंड द विच वन इज़ साउथ, पता चल गया अब आपको, ठीक है। और दूसरी तरफ जो मैग्नेट है उसका आर्टिफिशियली तो आप पता जानते ही हो कि भाई कौन सा मैग्नेट, कौन सा पोल नॉर्थ है और कौन सा साउथ है। अब आपको क्या करना है, जो मैग्नेट आपने हैंग किया हुआ है उस मैग्नेट के नॉर्थ पोल के तरफ आपके पास जो दूसरा मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल पास लेकर जाओ। जब आप पास लेकर जाओगे तो हैंग जो हो रही है मैग्नेट वो क्या करेगी, रिपेल हो जाएगी, दूर चले जाएगी, बिकॉज बोथ आर द सेम पोल्स। अब आप क्या करो, जो हैंग किया हुआ मैग्नेट है उसके साउथ पोल की तरफ आप यही नॉर्थ पोल लेकर जाओ। जब आप लेकर जाओगे तो वो साउथ पोल अट्रैक्ट हो जाएगा, एंड दिस शोज दैट अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक पोल्स डिप रिपेल ईच अदर, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये मैग्नेट हैंग किया हुआ है, ठीक है, दिस मैग्नेट इज टोटली हैंग। अब दूसरे मैग्नेट का आप क्या करो, साउथ पोल की तरफ अगर लेकर जाओगे, इसके नॉर्थ पोल को साउथ पोल की तरफ अगर लेकर जाओगे तो वो क्या करेगी, ये वाला मैग्नेट है इसका साउथ पोल अट्रैक्ट हो जाएगा, इट विल कम टूवर्ड्स दिस नॉर्थ पोल, ठीक है। लेकिन इस केस में वेन एवर हमने क्या किया, नॉर्थ पोल को लेकर गए नॉर्थ पोल के पास में, तो ये वाला मैग्नेट जो हैंग होके रखा हुआ है वो क्या करेगा, दूर चला जाएगा, एंड दिस शोज द प्रॉपर्टी ऑफ रिपल्शन एंड अट्रैक्शन। यहाँ से पता है आप एक और चीज़ समझ सकते हैं, वो क्या, आप पता कर सकते हैं कि कोई सब्सटेंस मैग्नेट है या नहीं। श्योरिटी टेस्ट, पक्का टेस्ट कैसे होगा वो देखो, एक मैग्नेट होना चाहिए आपके पास, ठीक है, प्रॉपर मैग्नेट होना चाहिए, और एक ऐसा सब्सटेंस जिसके बारे में आपको नहीं पता कि ये मैग्नेट है या नहीं, एंड यू वांट टू चेक दैट आउट कि भाई ये मैग्नेट है या नहीं, ठीक है। अब देखो क्या होता है, अगर इस मैग्नेट से ये सब्सटेंस अगर अट्रैक्ट हो जाता है तब हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई ये सब्सटेंस ऐसा हो सकता है कि वो आयरन या फिर कोबाल्ट या फिर निकल या फिर उसके एलॉय से बना हो, बिकॉज अट्रैक्ट हो रहा है, राइट। अगर इस मैग्नेट से ये सब्सटेंस जो अननोन सब्सटेंस है अगर अट्रैक्ट हो जाता है तो दिस शोज दैट दिस मेटल और यू कैन से सब्सटेंस जो है वो हो सकता है कि वो आयरन कोबाल्ट निकल या फिर उसके इस अलॉय से बना हो। बट क्या करें, जैसे ही अट्रैक्ट किया क्या करें, उसको उल्टा कर दीजिए। मतलब अगर आप नॉर्थ पोल जो है अननोन सब्सटेंस के पास लेकर आ रहे थे तो अब की बार आप साउथ पोल लेकर आए। जब आप साउथ पोल लेकर आएंगे तब आप बिहेवियर को पता कर सकते हैं। अगर रिपेल किया, ठीक है, तो इसका मतलब दैट सब्सटेंस इज अ मैग्नेट। अगर रिपेल नहीं किया, वहां से भी अट्रैक्शन ही किया, तो इसका मतलब ये सिर्फ एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये मैग्नेट नहीं है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो रिपल्शन की प्रॉपर्टी है, जो लाइक पोल्स रिपेल करते हैं, ये इकलौती ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी हेल्प से यू कैन टेस्ट कि कोई सब्सटेंस इज अ मैग्नेट और नॉट। एक्चुअली में प्रैक्टिकली यू कैन टेस्ट दैट आउट, ठीक है। तो आई वॉन्ट टू टेल दैट कि भाई जो रिपल्शन है, ठीक है, जो रिपल्शन है दैट इज द श्योर टेस्ट, इज द श्योर टेस्ट ऑफ अ सब्सटेंस और यू कैन से ऑफ अ मैग्नेट। अगर कोई सब्सटेंस मैग्नेट है तो वो ये रिपल्शन का बिहेवियर पक्का शो करेगा विद वन पोल, किसी ना किसी पोल से तो वो रिपल करेगा ही करेगा, बेसिक बेसिक बात है तो बहुत ही। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि कोई एक सब्सटेंस मैग्नेट है या नहीं है, ठीक है, जस्ट बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। तो ये तो चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल, है ना। तो फटाफट नोट करो, हाँ।
ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी अदर थिंग्स मैग्नेट के फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में. दैट इज मैग्नेट जो है एग्जिस्ट करती है लेकिन हमेशा उसके पास दो पोल्स ही रहेंगे. ठीक है, ऐसा नहीं होता कि एक मैग्नेट एक पोल की बन जाए, मतलब उसके पास सिर्फ एक ही पोल बच जाए, ऐसा कभी नहीं होता. ठीक है, वो कैसे पता कर चला भाई, जो साइंटिस्ट लोग थे जिन्होंने इसके बारे में स्टडी किया, उन्होंने क्या किया, मैग्नेट को तोड़ के देखा. ठीक है, जब उन्होंने तोड़ा उसको, उन्होंने टेस्ट किया उसको, और जो पीसेस बने वो भी अलग अलग दो मैग्नेट्स बने. ठीक है, उनको और जो क्या है तोड़ा, तो फिर अब की बार जो हमें पीसेस मिले वो फिर से एक इंडिविजुअल मैग्नेट की तरह बिहेव करे. तो दैट शोज ऑलवेज कि भाई हमेशा एक मैग्नेट के दो पोल्स एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे, एंड दे विल ऑलवेज गेट यू अ मैग्नेट. जब भी किसी मैग्नेट के आप पीसेस करोगे तो हर एक पीस एक इंडिविजुअल मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा. ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ईच पीस ऑफ अ मैग्नेट विल बिहेव लाइक अ इंडिविजुअल होल मैग्नेट. ऑलराइट, वी कैन नॉट सेपरेट टू पोल्स बाय एनी मेथड, वी कैन नॉट डू दैट. राइट, सेकेंड थिंग, मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स. ठीक है, ये चीज आपको जो है ध्यान रखनी है. सो ऑलवेज रिमेंबर दैट व्हेनेवर यू काउंटर विद द मैग्नेट और उसके टुकड़े हो जाएं गलती से, खुद मत तोड़ना. ठीक है, अगर गलती से टुकड़े हो जाएं, सो दोज टू पीसेस विल बिकम द मैग्नेट अगेन, टू मैग्नेट्स, राइट, टू होल मैग्नेट्स यू कैन से. ठीक है, तो कोई भी आप पीसेस में उसको तोड़ो, कैसा भी शेप हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, देयर विल बी द मैग्नेट, द होल मैग्नेट. और राइट, तो कुछ इस तरीके से फिर देखो, कट ऐसे तोड़ते तुम इतने छोटे लेवल पे चले जाओ कि भाई बहुत ही छोटा, उससे छोटा कोई मैग्नेट ही नहीं हो, फिर भी उसके दो पोल्स होंगे. तो बेसिकली आपको ये बात ध्यान रखनी है, हर एक पीस खुद एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा एवरी सिंगल टाइम. ऑलराइट, दैट वाज द फोर्थ प्रॉपर्टी. ठीक है, तो इसको फटाफट से आप जो है नोट करो, ये हमने चार प्रॉपर्टीज देख ली हैं, दीज वर द फोर्थ प्रॉपर्टीज. ऑलराइट, तो देखो हम लोगों ने अभी तक मैग्नेट्स की प्रॉपर्टीज देखी हैं. ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. मैग्नेट के चारों तरफ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है कि भाई अगर इस जोन के, मतलब यू कैन से कि मैग्नेट के चारों तरफ एक ऐसा स्पेस रहता है, अगर उस स्पेस के अंदर कोई आयरन का पीस आ जाता है तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा, अगर उस स्पेस के बाहर रहता है तो वो अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा. क्योंकि ये बात तो तुम भी जानते हो कि अगर ज़्यादा दूर हम कोई आयरन का पीस रख देंगे तो मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी. राइट, तो इसका मतलब कि मैग्नेट का यू कैन से एक ऐसा स्पेस है जिसके चारों तरफ ही, मतलब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लाई करता है, एग्जिस्ट करता है. राइट, एक स्ट्रांग अमाउंट में है, तो वो जो है यू कैन से दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड. राइट, इसके बारे में जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, पूरा इसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे, लाइक वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है, चेंज होता है कि नहीं होता है, किस तरीके का उसका शेप होता है, ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे. आज हमने मैग्नेट और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में सीखा है. सो दैट वॉज इट इन दिस लेक्चर. So thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it, and do not forget to click on the bell icon so that you will be remain notified for the upcoming videos. Thank you so much, and do not forget to revise, right? Revision daily.